हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आयुष टीचर फ्रॉम सिटीजन स्कूल एंड आई एम बैक अगेन टू टीच यू समथिंग न्यू इन गुजराती सब्जेक्ट। तो लास्ट हमने गुजराती में क्या पढ़ा था? ग ग घरनो ग। तो अभी नेक्स्ट हम कौन सा वर्ड पढ़ने वाले हैं? ये क्या है, कौन बताएगा मुझे? किसी को नहीं पता। ये है अंग। क्या है? अंग। ये दिखता है ड जैसा पर ड नहीं है, और इसका यूज़ हमें ज़्यादातर गुजराती में नहीं करना है। ठीक है, इसको आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे हम एस लिखते हैं वैसे ही हमें एस लिखना है, और बाजू में ऐसे आपको सर्कल कर देना है। ठीक है, तो ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर देना है। तो चलो, वो कंप्लीट करने के बाद हमारा जो पेज नंबर 13 है उसके सामने वाला, उस पर क्या लिखा है? इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है क ओढ़खी ट्रायंगल करो। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको क दिखता है उसके ऊपर क्या करना है? आपको ट्रायंगल करना है। ठीक है, जो टीचर एक करके दिखाएंगे बाकी के दो आपको अपने आप कंप्लीट करने हैं। तो चलो, क कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो ऐसे आपको आपके टेक्स्ट बुक में ट्रायंगल करना है। जहाँ जहाँ क आपको दिखाई दे वहाँ वहाँ अच्छे से ट्रायंगल करोगे। ठीक है, तो ये वाले दो आपको अपने आप कंप्लीट करना है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ख ओढ़खी सर्कल करो। तो क्या करना है? तो ख है उसको ढूंढ के हमें उसके ऊपर सर्कल करना है। तो वो भी मैं आपको एक दिखा देती हूँ। तो ख यहाँ पर लिखा है, सर्कल करना है। जहाँ जहाँ आपको ख लिखा हुआ दिखे वहाँ वहाँ आप लोगों को अच्छे से सर्कल कर देना है। उसके बाद है ग ओढ़खी स्क्वायर करो। ओके, तो ग कहाँ पे लिखा है? चलो, कौन बताएगा मुझे? यस, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से स्क्वायर बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये एक तो आप लोगों के लिए गेम जैसा ही है। तो आपको अच्छे से सारी लेटर ढूंढ के उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी है वो फॉलो करनी है। ठीक है, चलो, उसके बाद ये कौन बताएगा, ये कौन सा लेटर है? यस, अभी ही हमने सीखा था ये कौन सा लेटर है। ग, ग ओढ़खी सर्कल करो। तो वापस हमें क्या करना है? ग को ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल कर देना है। चलो, ये वाला लेटर अच्छे से आपको ढूंढ के सर्कल कंप्लीट करना है। तो टीचर ने सारे वन वन तो दिखा दिए, बाकी के दो आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, चलो, उसके बाद तो जो पेज है हमारा वो है 14। तो यहाँ चलो पढ़ो क्या लिखा है। क थी घ पूर्ण करो। तो यहाँ पे क ख ग घ लिख के आपको दिया है। वैसे ही सामने आपको कितनी टाइम्स है? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 टाइम्स आपको क लेटर लिखना है। ठीक है, तो देखो ऐसे आपको लिखना है अच्छे से। क बोल बोल के आप लिखोगे। क कमर नोक, क कमर नोक, क कमर नोक, क कमर नोक। वैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखोगे? ख खल ख। वैसे आप ये 4 टाइम्स कंप्लीट करोगे। फिर है ग। ग से क्या होगा? ग गणपति नो ग, है ना। इसके बाद ग ग घर नो ग। तो ये आपको जैसे क मैंने लिखा है वैसे ही आपको ये पूरा कंप्लीट कर देना है। तो चलो, अभी उसके नीचे क्या लिखा हुआ है चलो कौन पढ़ेगा मेरे साथ? आपको सबकी फिंगर उसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, चित्र जोई शब्द पूर्ण करो। तो क्या होगा? हमें पिक्चर देखना है और जो वर्ड है वो हमें कंप्लीट करना है। पूरा पिक्चर का नाम जो है वो हमें उसका फर्स्ट लेटर लिखना है। ठीक है, ये कौन सा पिक्चर है? आपने क सीखा था ना, क में आता है ना ये वाला क कड़ स्नो क, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लेटर लिखना है? क लिखना है। अड़ और श ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर ये क्या है, कौन बता रहा है मुझे ये क्या है? सबको आता है? ख खड़िया नो ख,
तो आपको यहाँ पे ख लेटर लिखना है। चलो ये कौन सा पिक्चर है, सबको पता है, यस ये है गणपति। तो क्या आएगा यहाँ पे लिखना है, ग गणपति नो ग, फर्स्ट लेटर लिखना है। उसके बाद चलो ये कौन सा पिक्चर है, ग गर नो ग, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ग लिखोगे। ये क्या है, यस कमर, क कमर नो क, तो आपको क लिखना है। उसके बाद ख खल नो ख, तो आप ख लिखोगे। आपको पिक्चर देख के ही सारा लेटर कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो ये कौन सा पिक्चर है, ग घड़ियाल नो ग, तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे आपको ग लिखना है। ये कौन सा पिक्चर है, ग गज नो ग, तो यहाँ पे ग आप लिखोगे गणपति वाला, ठीक है। और ये क्या है, ये पॉट जैसा है ना, उसको हम गुजराती में क्या बोलेंगे, मैंने आपको सिखाया था घड़ो, तो यहाँ पे आएगा घ घर वाला घ, ठीक है। आपको अच्छे से ये कंप्लीट करना है आपकी टेक्स्ट बुक में ही।